खेडूतों माटे माठा समाचार आव्या छे। एक अने बे डिसेम्बरे भारेथी अतिभारे कमोसमी वरसादनी शक्यता छे। 30 नवेम्बरे सामान्यथी मध्यम वरसादनुं अनुमान लगावामां आव्युं छे। हवामान विभागे व्यक्त करी छे आगाही। वेस्टर्न डिस्टर्बन्सनी असरना कारणे वातावरणमां पलटो आवशे। तो हवामान विभागे आगाही करी छे वेस्टर्न डिस्टर्बन्सना असरने कारणे वातावरणमां पलटो आवशे। खेडूतों माटे माठा समाचार सामे आव्या छे। एक अने बे डिसेम्बरे भारेथी अति भारे वरसादनी आगाही छे। 30 नवेम्बरे सामान्यथी मध्यम कमोसमी वरसादनी आगाही हवामान विभाग द्वारा करवामां आवी छे। नवसारीनी युवतीना ट्रेनमां मौत अंगे मोटो खुलासो थयो छे। घटना अंगे ट्रेनना सफाई कामदारनुं एक मोटुं निवेदन सामे आव्युं छे। कामदार ज्यारे सफाई करवा गयो त्यारे युवती रड़ती हती। अर्धा कलाक पछी युवती फांसो खाधेली हालतमां मळी आवी। D12 कोचमां युवती बैठा बैठा रड़ी रही हती। बस 12:40 से गाड़ी आवे छे। 12:50 से अमे काम शुरू करीए छे। सूरत छे एटले काम शुरू करता करता बॉम्बे छेड़ आवे छे। काम करता करता गाड़ी आवता हता ने सीट पर एक छोकरी बैठी हती ने पूछो बेन क्यां जवाना छे। कई जवाब नहीं आप कीधु अमने आ छेल्लू स्टेशन से उतरी आओ बेन पर कई जवाब नहीं आप बाहर मोड़ा पर हटा एटले पछी एमनु मोड़ो पण नहीं देखातो एटले अमे एम लाग्यु पागल छे बेन अमे काम करता करता आगाड़ी निकली गयो। पछी मारो D12 कोच हटो नंबर सीट पर बैठी हती बाहर मोड़ा पर हटा मैं कीधु बेन क्या जवाना पण ए दुष्का जेवी भरिया करती हती। कई जवाब नहीं आप मने काम मैं चालू राख्यो मारो ने आगाड़ी निकली गयो। त्यारबाद અમે તો અડધો કલાક જેવો થયો અને સફાઈ કામદારનો ફોન આવ્યો કે એ છોકરી અહીંયા ફાંસી ખાઈ ગઈ છે ભાઈ જઈને જોયું તો એ જ છોકરી હતી એટલે પછી DXRને ફોન કર્યો DXRએ માસ્તરને ફોન કર્યો અને માસ્તરે RPF વાળાને ફોન કર્યો એ લોકો આવી ગયા પછી તો અમે અમારું કામ કરીને નીકળી ગયા। वापी नगरपालिका ने चूंटणी માટે મતદાન બપોરે 2 વાગ્યા સુધીમાં 30% જેટલું મતદાન થયું છે। वापी नगरपालिकानी चूंटणी योजाई रही हती तेना माटे मतदान थयुं छे। बपोरे 2 वाग्या सुधीनी मतदान नी वात करीए तो बपोरे 2 वाग्या सुधीमां टोटल 30% जेटलुं मतदान थयुं छे। अने हवे वात करीए ग्राम पंचायतनी चूंटणीनी। चूंटणी पहला कच्छनी एक ग्राम पंचायत बिनहरीफ जाहेर थई छे। अबड़ासाना वायुर ग्राम पंचायत बिनहरीफ तरीके जाहेर थई छे। सर्वसम्मतिथी सरपंच उपसरपंचनी बिनहरीफ जाहेरात करवामां आवी। गाम लोकोए ढोल नगाराथी नवा सरपंचनुं स्वागत कर्युं छे। गईकाले लखपतनी पांद्रो ग्राम पंचायत समरस जाहेर थई हती। अमित शाहे गांधीनगरमां अमूलना नवा प्लांटनुं लोकार्पण कर्युं। फेडरेशनना दूध पाउडर सहित विविध प्रोडक्टनुं पण उद्घाटन कर्युं। अमित शाहे अमूलने गुजरातनुं गौरव गणाव्युं। उद्घाटन समारोहमां शाहे कह्युं के केन्द्र सरकारना सहकारिता विभागना माध्यमथी ज कृषि साथे जोडायेला लाखो लोको सुधी आर्थिक लाभ पहोंचशे। अमित शाहे उमेर्युं के कृषि अने कृषि साथे जोडायेला क्षेत्रोमां ताकात छे देशने समृद्ध बनाववानी। अमूल जेनुं उदाहरण छे। लगभग 180 करोड़ की लागत से एक उद्घाटन यहाँ पर हुआ। अब शायद मैं मानता हूँ सूरी जी करेक्ट करें अगर गलत है तो अमूल सबसे बड़ा मिल्क पाउडर का उत्पादक देश का अब बन चुका है। मोदी जी ने भारत सरकार में सहकारिता विभाग शुरू किया है और अब सहकारिता के माध्यम से देश के करोड़ों खुशी और खुशी के साथ जुड़ी हुई सेवाओं के साथ जुड़े हुए हमारे भाइयों बहनों तक आर्थिक लाभ और अर्थतंत्र को पहुंचाने का काम सहकारिता के माध्यम से शुरू। और मैं मानता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर न केवल देश की अर्थतंत्र को नई गति देने की भी क्षमता है, देश के सभी लोगों को समृद्ध बनाने का मंत्र भी इसी क्षेत्र।
मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी नु मोटू निवेदन सामे आव्यु, हूँ आजे पण सत्ता में नथी अने भविष्य में पण नथी रहेवा मांगतो। सत्ता में रहेवाना आशीर्वाद न आपो, सेवा करवा मांगू छू। हूँ तो बस हमेशा सेवा में ज रहेवा मांगू छू। लोकोने योजना नो लाभ मळे ए मोटो संतोष छे, पीएम मोदीए जणाव्यु। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपकी उम्र भी इतनी लंबी होगी, हमेशा सत्ता में ही रहे। हमारे परिवार के लोग भी आपसे इतना खुश हैं, हम क्या कहें आपसे। राजेश जी, आप मुझे सत्ता में रहने की शुभकामना मत दीजिए। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूँ और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। सेवा ही तो चाहिए हम लोगों को, और क्या। राज्य सरकार ना कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदीए एर एम्ब्युलेंस अंगे मोटू निवेदन आप्यु। तेमणे कह्युं के एर एम्ब्युलेंस ने भारत सरकार तरफथी मंजूरी मळी गई छे। ए हॉस्पिटल मां तो तमारे हेलिकॉप्टर नो हेलीपेड छे, ए रनवे नथी। आ रनवे प्रकार नो एक विमान, फाइटर जे प्रमाणे आखो जे फ्लाइट छे ए प्रकार नो विमान छे, एना माटे एरपोर्ट ज होई शके। એટલે કાર્યવાહી ચાલુ છે, મંજૂરી ભારત સરકારમાં પણ લગભગ મળી ગઈ છે અને એર એમ્બ્યુલન્સમાં અમે આગળ વધી રહ્યા છે। ગાંધીનગર મનપાની વેબસાઇટ હેક થઈ, તુર્કીના હેકરોએ વેબસાઇટને હેક કરી લીધી। હેકરોએ વેબસાઇટ હેક કરીને સંદેશો મૂક્યો, અમારા મિત્ર બનો દુશ્મન નહીં। અરવલ્લીના મોડાસામાં હોમગાર્ડની ભરતીમાં પહોંચેલા યુવકનું મોત થયું। મોડાસાના સાકરિયામાં યોજાઈ રહેલા ફિઝિકલ ટેસ્ટ દરમિયાન યુવકને છાતીમાં દુખાવો ઉપડતા તેને સાર્વજનિક હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો। તપાસ બાદ સાર્વજનિક હોસ્પિટલના ડોક્ટરોએ યુવકને મૃત જાહેર કર્યો હતો। યુવકના મૃત્યુથી 3 વર્ષ અને 7 મહિનાના બાળકોએ પોતાની પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી દીધી છે। યુવકના મોતને લઈને પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે। નર્મદા જિલ્લામાં કેવડિયા એસઆરપી ગ્રાઉન્ડ પર હોમગાર્ડ જવાનોની ભરતી પ્રક્રિયા યોજાઈ, ત્યારે ભરતી થવા માટે મોટી સંખ્યામાં યુવાનો ઉમટી પડ્યા હતા। હાલમાં મોટી સંખ્યામાં લાઇનમાં ઉભેલા યુવાનો પોતાના નંબર આવે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે। રાજપીપળામાં 125 જગ્યા માટે 1258 મહિલાની, 20 જગ્યા માટે 380 અને કેવડિયા 89 જગ્યા માટે 1060 અને મહિલાની 18 જગ્યાની સામે 333 મહિલાઓએ ઉમેદવારી નોંધાવી, જેની ભરતી પ્રક્રિયા હાલમાં શરૂ થઈ ગઈ છે। 125 છોકરાઓ લેવાના છે, એની સામે 1258 અરજી આવેલ છે। 20 મહિલા લેવાની છે, એની સામે 388 અરજી આવેલ છે। કેવડિયા ગરડેશ્વર તાલુકામાં 89 છોકરાઓ લેવાના છે, એની સામે 1058 અરજી આવેલ છે। અરાળ મહિલા લેવાની છે, એની સામે 333 અરજી આવેલ છે। જૂનાગઢમાં લોકરક્ષક દળની ભરતી માટે મોક ટેસ્ટ યોજાયો, જિલ્લા પોલીસ